हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ लाजपत नगर मार्केट का लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे ये लेटेस्ट क्या एंड ऑफ विंटर सेल है और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा आपको सेल भी मिलेगा मार्केट में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। तो बाहर मार्केट में एंटर करते ही मुझे ना ये छाते दिखे बिकॉज ना बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा जब हम पहुँचे थे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कलेक्शन दिखता है। जब मेट्रो की साइड से हम मार्केट के अंदर जा रहे थे तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्वेटर्स दिखे, जो कि सारे स्वेटर्स के प्राइस ना 150 रुपीस थे। ब्रांडेड स्वेटर थे, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और मतलब जैसे कि ना कोई भी कपड़ा ऐसा लगे कि ख़राब है कहीं से कुछ कटा फटा, तो कुछ भी नहीं था। ये सारे पीसेस ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद आगे चलते ही मुझे ना ये बैग वाली शॉप मिली। ये आपको हमेशा ही मिलेगी जब आप मेट्रो के साइड से आएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्लिंग बैग के कलेक्शन मिल जाएंगे एंड यहाँ पे ना आपको ब्रांडेड बैग्स के ड्यूप्स मिल जाएंगे, जैसे कि जियोर, एलवी एंड और भी काफ़ी सारे ब्रांडेड बैग्स के ड्यूप मिल जाएंगे। स्लिंग बैग जो थे ना 300 रुपीज़ to 400 रुपीज़ के अराउंड थे। ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाले, ये सारे स्लिंग बैग ना 300 रुपीज़ में थे, कुछ कुछ 400 रुपीज़ में भी थे। और जो आप बैग देख रहे हैं वो सारे 500 टू 800 के अराउंड थे। थोड़ा सा और आगे चलने पे मुझे ये कोट्स दिखे, इनके प्राइस ना 400 रुपीज़ थे। 400 रुपीज़ में ये कोट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। मतलब किसी भी कोट पे ना कुछ भी डैमेज नहीं था, सारे ही कोट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। अगर आपका परफेक्ट साइज इसमें मिल जाता तो ये आपके लिए ना हिडन जेम होगा। मतलब बहुत ही अच्छे कोट की क्वालिटी थी ये। थोड़ा सा और आगे चल पे मुझे एक और बैग का ये स्टॉल दिखा। यहाँ पे भी बैग के बहुत अच्छे कलेक्शन थे। यहाँ पे किड्स के बैग का बहुत प्यारा कलेक्शन था। ये 250 to 300 के अराउंड थे ये बैग, जो स्लिंग वाले थे किड्स वाले। बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल स्लिंग बैग देख रहे हैं 250 to 350 के अराउंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको ब्रांडेड बैग के ड्यूप्स मिल जाएंगे, जिनके प्राइस ना 500 to 800 के अराउंड ही होंगे। यहाँ पे बैग पैक का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था एंड आप देख सकते हैं बैग का सच में बहुत ही प्यारा वाला कलेक्शन है यहाँ पे। आगे मुझे एक जीन्स का स्टॉल दिखा। भैया ने इसे रिंग पे लगा रखे थे जीन्स, इसमें ना डैमेज जीन्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे। 200 रुपीज़ में जीन्स थे इनके पास में। इसमें ना बेल बॉटम जीन्स, मॉम जीन्स, सभी टाइप के जीन्स थे। बट इसमें अगर आपका साइज मिल जाता है तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हिडन जेम होगा। इसके अलावा इनके पास में ना आपको इस टाइप की मिनी स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी, लेदर स्कर्ट्स भी इनके पास में थी। इनके प्राइस भी 200 रुपीज़ थे। आगे चलने पर मुझे एक और स्टॉल मिला। यहाँ पे भी 200 रुपीज़ में स्वेटर की सेल लगी हुई थी। इनके पास में काफ़ी वैरायटी ऑफ स्वेटर्स थे, आप देख सकते हैं। मतलब कुछ कुछ तो इतने अच्छे पीस थे कि लग ही नहीं रहा था कि मैं रोड साइड कहीं पे देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था किसी अच्छी शॉप पे आके मैं ये देख रही हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी स्वेटर की एंड सारे ही जो कलर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे एंड फ्रेश पीसेस थे सारे ही यहाँ पे। इसके बाद डोलमा आंटी वाले के पास में जो गेट होता है उससे हम निकल लिया था मार्केट के अंदर एंटर। बिकॉज अभी जो मैं आप लोग को दिखा रही थी ना वो रोड साइड दिखा रही थी, जब मेट्रो साइड से आप आते हैं अभी डोलमा आंटी वाले गेट से हमने मार्केट में एंटर कर लिया। अब यहाँ से सारा कलेक्शन एक्सप्लोर करेंगे। हम एंटर करते ही कॉर्नर पर मुझे एक ये शॉप दिखी, जो कि स्त्री वस्त्र भंडार जो है उसके एकदम अपोजिट में आपको दिखेगी ये।
यहाँ पे स्टॉल पे भी भैया ने बहुत ही ब्यूटीफुल स्वेटर्स लगा रखे थे। इसमें ना आपको हाई नेक भी मिल जाएंगे एंड ये निटेड वाले जो आते हैं पुलोवर्स, वो वाले भी पुलोवर्स थे यहाँ पे। इनके पास भी ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। यहाँ पे ना आपको 100 रुपीज़ की सेल बहुत कम मिलेगी, 200 रुपीज़ में ही मोस्टली सेल थी मार्केट में। बट उस सेल में भी ना इतनी अच्छी क्वालिटी के स्वेटर थे कि मतलब आपका आप लोगे तो आपको लगेगा हाँ आपने कुछ अच्छा पीस लिया है। मुझे देखिए पफर जैकेट, इस टाइप की सॉफ्ट सॉफ्ट कोजी फैब्रिक की जैकेट जो कि आपने आर्बेनिक वगैरह पे देखी होगी, और वहाँ पे ना तो काफ़ी महंगी मुझे दिखी थी। बट यहाँ पे ना 300 में आपको ये वाली जैकेट्स मिल जाएंगी। ये प्राइस आपको 350 तक कोट करेंगे तो बार्गेन करके 250-300 तक में ले सकते हैं इनके पास से। इस वाले फैब्रिक में इनके पास जैकेट भी थी एंड स्वेट शर्ट भी इनके पास में इस वाले फैब्रिक में थी, उसका प्राइस भी सेम ही था। एंड इसके पास में एक भैया ने वेलवेट के ड्रेसेस लगाए हुए थे जिसका प्राइस उन्होंने 500 रुपीज़ बताया था, बट ये आपको 350-400 रुपीज़ में ईजिली दे देंगे। इन वाली ड्रेसेस में ना कलर भी बहुत सारे अवेलेबल थे। ₹250 की रेंज में मुझे एक और स्टॉल दिखा जहाँ पे ना चेकर्ड थी, ये शर्ट थी, ये लॉन्ग शर्ट थी और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी जी, भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये नाइट ड्रेस है, कलर्स हैं एंड ये नाइट सूट जो आप देख रहे हैं 500 रुपीज की रेंज में था। ₹600 में आपको यहाँ पे ना लाजपत नगर मार्केट में हमेशा ये कुर्ते और प्लाजो का सेट जो है वो आपको दिखते हैं, बट इसमें ना डिज़ाइन जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी भी कुछ न्यू डिज़ाइन जो है वो आए हुए हैं। ये समर कलेक्शन है जो कुर्तों का आपको दिख रहा है, ये विंटर वाले नहीं है। इनमें काफ़ी सुंदर सुंदर से समरी प्रिंट आए हुए जो कि आप भी समर में ना इन होने वाले हैं। लाइट कलर्स हैं एंड फ्लोरल प्रिंट हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन मुझे लगे। तो गाइस जिस टाइप की ज्वेलरी आप ऑनलाइन देखते हैं जावेरी पर्ल जो है गैलेक्सी में आपको ना ये सारा सेट वाले इयररिंग्स मिलते हैं, वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 200-250 रुपीज़ की रेंज में आपको ये पूरा सेट मिल रहा था जिसमें आपको 5 पेयर ऑफ इयररिंग्स, उसमें छोटे छोटे से स्टड्स भी होते हैं, वो उन सबका कलेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एथनिक इयररिंग्स लेना चाहते हैं तो झुमके इस टाइप के ना 100 रुपीज़ की रेंज में आप लोगों को मिल जाएंगे। ये शॉप ना पार्क के पास से जो एक लेन गई हुई है तो वहीं पर आपको ये वाली शॉप जो है वो मिल जाएगी। जब आप दीपाली गारमेंट के पास से ना आ रहे होंगे उस गली में तो आपको ये वाली शॉप मिलेगी। और यहाँ पे ना कोट का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, कोट जो थे 400 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे। कोट की क्वालिटी यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी थी। ड्रेस वाले भैया की शॉप मिली और इस टाइम पे ना एंड ऑफ विंटर सेल चल रही है तो सभी जगह पे आपको ना बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलेगा, फ्रेश कलेक्शन जिसे देख के आपका मन ना खुश हो जाएगा। तो मुझे ये देखिए 200 रुपीज़ में ड्रेसेस, ओ माय गॉड, सारी ही ड्रेसेस इतनी प्यारी थी कि मतलब ये सारी वूलन ड्रेसेस थी, मतलब इतनी अच्छी थी कि अभी ले लो अगले विंटर में स्टाइल करना, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी ये। और सबका ही प्राइस ना 200 रुपीज़ यहाँ पे था, देख लीजिए। ब्लैक वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। Thank you.
ये कितने में भैया सर? ये 200। इस वाली शॉप के पास में ही एक और भैया ने रिंग लगा रखा था जिसमें वो भी 200 रुपीज़ के स्वेटर बेच रहे थे। इनकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। मतलब जो भी कलेक्शन था आपकी बार सच में मन खुश हो गया, इतना अच्छा कलेक्शन दिखा। मैंने खुद के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली, सारा ही कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। एक एक स्वेटर जो मुझे दिखा मतलब एकदम फ्रेश वाला दिखा। आगे ना इंसेंस के अपोजिट में एक और मुझे स्टॉल दिखा, यहाँ पे भी ना स्वेटर का बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन था। यहाँ पे भी ना 200 और 300 रुपीज़ में सेल थी। 200 में जो आप नीचे स्वेटर देख रहे हैं वो सारे थे, 300 रुपीज़ में ऊपर वाले स्वेटर्स थे। 300 वाले में भी आपको ये बार्गेन कर देंगे, 250 में लगा देंगे, और नीचे वालों में तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। इनके पास भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन था स्वेटर का। वूलन टॉप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा था। और इस टाइप के ना और भी बहुत सारे इनके पास में स्वेटर्स थे। इनकी भी सभी की क्वालिटी ना बहुत ही अमेजिंग थी। गाइस मैं बोल रही हूँ ना, ये बेस्ट टाइम है, अगर आप अभी से शॉपिंग कर लीजिए अगले साल के लिए, क्योंकि इस टाइम ना लाजपत नगर में सच में मुझे बहुत ही माइंड ब्लोइंग कलेक्शन दिखा जो कि मुझे पहले कभी नहीं दिखा था। बहुत प्यारा कलेक्शन था विंटर वेयर का। तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी जाके फटाक से खरीद लीजिए, और अगले जब विंटर स्टार्ट होंगी ना तब आप ये सब स्टाइल करिएगा। पता नहीं इस विंटर में इस टाइप का कलेक्शन मिले या ना मिले। गाइस इसके बाद मैं आ गई थी फ्रूट मार्केट के पास। यहाँ पे ना साइड में ये स्टॉल ज्वेलरी के लगे होते हैं जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में एंड 150 रुपीज़ में काफ़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल जाती है। एंड डेंटी नेक पीसेस का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में डेंटी नेक पीसेस मिल जाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन में। इसके अलावा आपको ना 50 रुपीज़ में सिल्वर इयर रिंग्स मिल जाएंगे, सिल्वर ऑक्सीडाइज, जो कि हर मार्केट में ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ डिज़ाइन मिल जाएंगी इसमें। इसके अलावा आप लोग को सिल्वर में जो नेक पीसेज आते हैं ना लॉन्ग वाले वो भी मिल जाएंगे 100 रुपीज़ की रेंज में। एंड ये पर्ल वाले जो माला जैसे होते हैं इसमें बड़ा सा सिल्वर का पैंडल लगा होता है, उस टाइप के भी आपको नेक पीस मिल जाएंगे 100 रुपीज़ की रेंज में। इस टाइप के हैंडमेड इयररिंग्स जो आप आजकल बहुत ना इंस्टा पे ट्रेंडी हैं, ये इस टाइप के इयररिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर ऑप्शन इनके पास अवेलेबल थे, केवल और केवल 100 रुपीज़ में ये इयररिंग्स थे। इसके अलावा इनके पास में 50 रुपीज़ में आपको छोटे छोटे स्टड वाले इयररिंग्स मिल जाएंगे, बहुत छोटे भी नहीं थे, नॉर्मल आपको देख सकते हैं इसमें बीड्स वगैरह लगी होती हैं उस टाइप के इयररिंग्स से 50 रुपीज़ में। इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ पे ना नेकलेसेस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, आप देख सकते हैं। इन नेकलेसेस के प्राइस की बात करें तो ये 150 से 500 रुपए तक की रेंज में होते हैं। इनमें आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन के नेकलेसेस जो है वो मिल जाएंगे। कुछ ब्राइडल नेकलेस भी इनके पास में थे जिनके प्राइस 1000 से 1500 की रेंज में रहते हैं। ₹150 में यहाँ पे आपको कंगन के बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, बैंगल्स के बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। फिर चाहे आप कलरफुल वाली ले लो या मेटल वाली ले लो, उन सब में काफ़ी सुंदर सुंदर आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। इसके बाद मुझे यहीं पे पास में ना एक और स्टॉल दिखा जहाँ पे 200 रुपीज़ में स्वेटर का कलेक्शन था, और इस वाले स्टॉल पे भी बहुत ब्यूटीफुल स्वेटर्स थे। एंड यहाँ पे सारे ना इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जैसे कि नाचो एंड भी और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स थे यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी के थे। और मतलब इनकी क्वालिटी तो रियल में गाइस, मतलब जो भी स्वेटर मैं निकाल रही थी कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि ना जैसे कि कोई मॉल से लेके आई हूँ स्वेटर, में बिल्कुल उस क्वालिटी में स्वेटर्स थे यहाँ पे सभी जो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। 200 रुपीज़ में थे। फ्रूट मार्केट वाली जो लेन गई हूँ उसके स्टार्टिंग में भैया लगाते हैं, इनके पास वेस्टर्न ड्रेसेस भी रहती हैं। ये जो बाहर स्टॉल लगा होता वो बहुत ही अमेजिंग था गाइस, बहुत ही प्यारा कलेक्शन था जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे।
यहाँ पे 200 रुपीस में बच्चों के भी स्वेटर्स थे। इसके अलावा इस वाली शॉप में ना ड्रेसेस का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बट इनके सबके प्राइस ना अलग अलग थे, मतलब 500 to 800 के अराउंड तो थे ही। कुछ कुछ शॉप पे तो ना इतना प्यारा ब्लेजर का कलेक्शन था, ये एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लेजर थे। इनके प्राइसेस भी ज़्यादा थे, मतलब 1400 to 2000 के अराउंड थे। और ये ना गुरुद्वारे वाली जो लेन है वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ का कलेक्शन था। आइए मैम, आइए सेल में आइए, विशाल राजस्थानी पोरियान। आगे चल ले, वरना मुझे यहाँ पे जहाँ पे फूड स्टॉल है, यहाँ पे छोले भटूरे बहुत फेमस है, छोले कुलचे बहुत फेमस है। उस वाली लेन के पास में ना एक भैया ने स्टॉल लगा रखा था, इनके पास में 500 रुपीस में ना ये कोजी वाले विंटर वाले जैकेट्स थे, जो कि ज़्यादातर मुझे हाफ ही दिख रहे थे, कुछ कुछ फुल भी थे। इनकी क्वालिटी भी बहुत बहुत औसम थी और ये 500 रुपीस में थे। और अभी मैं आ गई हूँ सबसे फेवरेट वाली शॉप पे। ये जो हाई बैग की शॉप है ना, उसके अपोजिट में भैया लगाते हैं, उसके नीचे ही भैया लगाते हैं। इनके पास में ना आपको बोल सकते हैं इतना प्यारा ब्यूटीफुल वाला आपको ज्वेलरी का कलेक्शन मिलेगा। इनके पास में आपको जो रिंग्स मिलती हैं वो 50 रुपीस में मिलती हैं। इसमें आपको जितनी भी ट्रेंडी रिंग्स चल रही होती है वो सारी रिंग्स मिल जाती हैं। इसके अलावा कोरियन क्लिप्स का इनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है। 30 रुपीस की एक होती है, यहाँ पे 60 रुपीस का पेयर होता है। बहुत ही ह्यूज वैरायटी ऑफ यहाँ पे क्लिप्स का कलेक्शन रहता है। डिज़ाइन तो सच में इतने अच्छे रहते हैं कि आप खुद मतलब पसंद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे आपको क्लिप्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे। रिंग्स का सच में इनके पास बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। टीनेजर गर्लिस रिंग्स जो होती हैं वो यहाँ पे बहुत ही यूज वैरायटी में अवेलेबल थी, देख सकते हैं। स्लीक स्लीक से डिज़ाइन थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से थे, केवल 50 रुपीज़ में। इसके अलावा रियल डायमंड लुक की भी इनके पास में रिंग थी, जो कि 150 and 200, 300 रुपीज़ की रेंज में थी। 100 रुपीज़ की रेंज में इनके पास में ब्रेसलेट का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल थे ब्रेसलेट्स में भी। इसके अलावा इनके पास में इयररिंग्स भी अवेलेबल थे, जो कि 50 to 150 रुपीज़ के रेंज में होते हैं। इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे। इसमें आपको इंडियन वाले भी मिल जाएंगे एंड वेस्टर्न स्टाइल दोनों टाइप के इयररिंग्स मिल जाएंगे। उसके बाद में एनकेन सेंस वाली लेन में ही एक और मुझे ब्लेजर की शॉप मिली। यहाँ पे भी ना लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के ब्लेजर थे और ये केवल 200 रुपीस में थे, और जो ऊपर लगे हुए थे उनके प्राइस ना अलग अलग थे।
बच्चों के कपड़ों के लिए भी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। मैंने हाथी के लिए इस शॉप से कपड़े खरीदे थे, बट इन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, तो कलेक्शन मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ। बाहर का कलेक्शन आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो ये वाली एक किड्स की शॉप थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। बाहर डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, अभी तो विंटर वियर का ही कलेक्शन लगा हुआ है। काफ़ी सारे टॉप्स लगे हुए थे बच्चों के लिए, विंटर वाली फ्रॉक्स लगी हुई थी, एंड गाउन वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद मुझे एक और शॉप मिली यहाँ पे राज, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी शॉप थी। यहाँ पे मैंने रांची के लिए ड्रेस देखनी स्टार्ट की, और थोड़ा बहुत वीडियो कैप्चर करने के बाद में उन्होंने मना कर दिया था कि वीडियो अलाउड नहीं है, बट कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। बहुत प्यारी ड्रेस मैंने रांची के लिए यहाँ से परचेज कर ली थी। ये भी एन के एन सन्स जो शॉप है उसके पास में ही है ये। इसके अलावा कार्डिगन्स का भी कलेक्शन आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे ये कार्डिगन्स मिल रहे थे जिनके प्राइस ना 500 to 800 के अराउंड थे। कार्डिगन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, एंड कलर तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारे थे। तो गाइस ये था पूरा यहाँ लाजपत नगर मार्केट का एंड ऑफ विंटर सेल का पूरा वीडियो, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। अभी एथनिक वेयर का अलग से मैं आप लोग के साथ कलेक्शन पूरा शेयर करूँगी, इसमें ज्वेलरी और पूरा बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन दिखाऊंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही मेरे और भी मार्केट अपडेट वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।